आपके साथ मैं गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इंदौर रेलवे स्टेशन पर उस समय हंगामा हो गया जब एक युवक इंदौर मुंबई जाने वाली ट्रेन की छत पर खड़ा हो गया और ट्रेन के ऊपर से जाने वाले हाइटेंशन लाइट को पकड़कर खड़ा हो गया। फिलहाल काफी जदोजहद करते हुए इंदौर ट्रेन से नीचे उतारा गया और इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा है। घटना इंदौर रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 2 की है। यहां खड़ी मुंबई इंदौर चलने वाली ट्रेन की छत पर एक युवक चढ़ गया और उसने ट्रेन को ऊपर जाने वाली हाइटेंशन लाइट को पकड़ लिया। लाइन पकड़ने से उसको काफी तेज करंट लगा लेकिन उसके बाद भी युवक नीचे नहीं उतर रहा था। जब इस बात की जानकारी रेलवे स्टेशन पर तैनात जीआरपी पुलिस कर्मियों को लगी तो वो मौके पर पहुंचे और समझा कर नीचे उतारा और इलाज के लिए वह हॉस्पिटल लेकर पहुंचे जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। क्या है पूरा मामला? ये व्यक्ति करंट लगा हुआ है, इसको हम इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। सूचना प्राप्त हुई है। किसके माध्यम से सूचना प्राप्त हो गई थी और क्या बताया गया आपको? जीआरपी थाने से कॉल आया था हम लोगों के पास। हाँ, क्या सूचना मिली? कि एक व्यक्ति करंट लगा हुआ है, इसे मेडिकल सेवा देना है। क्या ट्रेन के ऊपर चढ़कर इसने पकड़ ली? इसकी अभी मुझे जानकारी नहीं है, आप पुलिस स्टाफ से ले सकते हो। आपका नाम बता दो। डॉक्टर संदीप। लेकिन घटना के बाद जब युवक को पुलिसकर्मी एम्बुलेंस तक लेकर निकले उस दौरान रेलवे स्टेशन पर एक किस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे युवक को ठेले में डालकर पुलिसकर्मी 108 एम्बुलेंस तक लेकर पहुंचे और इलाज के लिए एमवाई हॉस्पिटल भेजा।